स्वास्थ्य महकमे में तैनात सीएचओ के वेतन में कटौती, आशा बहुओं व संगनी का मानदेय 5 महीने से नहीं भुगतान करने और प्राइवेट हॉस्पिटलों की छापामारी के विरोध में रविवार को राजा तालाब स्थित एक लॉन में सैकड़ों स्वास्थ्य कर्मियों प्राइवेट डॉक्टर्स ने बैठक कर विरोध जताया और सोमवार को कमिश्नर से मिलकर सीएमओ की कार्यशैली के विरोध में ज्ञापन सौंपने की रणनीति बनाई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि सीएमओ संदीप चौधरी के शह पर सीएचओ के वेतन में कटौती की जा रही है और आशा बहुओं संगनी का मानदेय पिछले 5 माह से रोका गया है। इसके अलावा ग्रामीण चिकित्सकों के क्लिनिक, अस्पताल और नर्सिंग होम पर छापामारी कर अवैध धन की वसूली की जा रही है। सीएमओ मनमानी कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि इसके बावजूद समस्याओं का निदान न हुआ तो बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, संचालन राजकुमार गुप्ता ने किया। इस मौके पर पूर्वांचल किसान यूनियन के अध्यक्ष योगी राज सिंह पटेल, महासचिव वीरेंद्र यादव, राजकुमार गुप्ता, पूर्व जिला पंचायत सदस्य पप्पू पटेल, महेंद्र राठौर, जैशलाल पटेल, बबलू पटेल, रहीम हाशमी, गणेश शर्मा, सुनील, अजय पटेल, गामा पटेल, मंटू समेत कई आशा बहुएं, संगनी, सीएचओ, प्राइवेट डॉक्टर्स मौजूद थे। बनारस में जो सीएमओ है स्वास्थ्य विभाग के, वो उनका रोल एक तानाशाह का हो गया। अच्छा। वो पैसा वसूली पे उतर गए हैं। प्राइवेट डॉक्टर जो गांव में जो डॉक्टर्स हैं, जो अपना छोटा मोटा नर्सिंग होम चलाते हैं, उनसे वसूली करने के चक्कर में उनके हॉस्पिटलों पे छापा मार रहे हैं, उनको जो है परेशान कर रहे हैं। और जो स्वास्थ्यकर्मी गांव में काम करते हैं, जैसे आशा है, आशा को 3 महीने से लेकर अगर देखा जाए तो विभिन्न ब्लॉकों में 5 माह तक उनका जो सैलरी नहीं मिला है, उनका रोका गया है। और जो हमारे सीएचओ काम करते हैं, एनएम सेंटरों में बैठते हैं, वो सीएचओ जो है लगातार जनता के बीच में रहकर मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इसके बावजूद उनके महीने का 90% सैलरी जो है सीएमओ के आदेश से काट लिया गया।